हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप वर्मा राम सरदार सिंह कारपेंटर कॉलेज मैं निंदावा सीतापुर। बच्चों के जैसा कि हम लोग फाइल पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 में, ठीक है, तो उसकी फाइलों में से आगे बढ़ते हैं। इसमें से एक फाइल हमारा है एनीलिडा, ठीक है, फाइल एनीलिडा, ठीक है। तो फाइल एनीलिडा में किस तरह के बीमारी आते हैं, इनका क्या करेक्टर्स है, तो आज इनके बारे में जो है आज हम डिस्कस करेंगे। कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण जो है इन जीवधारियों के लक्षण लिखे हुए हैं, अब इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें किस प्रकार के जीवधारी आते हैं, है ना। तो जैसे यहाँ फाइलम है, तो इस फाइलम को पहले क्या करेंगे, इन लीडर को जो है अगर हम संधि विच्छेद करेंगे एनरून हो जाएगा, यानी कि ए डबल एन यू एन यू, ठीक है। एनरू एनरू जो है घर का ग्रीक वर्ड होता है, ठीक है, और ग्रीक वर्ड में इसे छलने के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला है ओ आई डी ई एस वर्ड्स, वर्ड्स भी एक ग्रीक वर्ड्स है, ठीक है, और इस ग्रीक वर्ड्स को जो है वहाँ पे ग्रीक कहने में जो है इसे रूप कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि छल्लेदार रूप वाले जो है, यानी कि ऐसे जीवधारी जिनका शरीर छल्ले जैसा बना होता है, ठीक है, तो ऐसे जीवधारी जो है एनीलिडा संघ में आते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं एनीलिडा संघ में कैसे लक्षण। तो जो पहला यहाँ पे है बताया गया है कि इस संघ के सभी जंतुओं का शरीर जो है छल्लेदार खंड में बटा रहता है, ठीक है। जैसा कि पहले यहाँ पे आपको हमने बता दिया है कि इसके अंतर्गत जिस प्रकार के जीव जीवधारी है उनका शरीर खंडों के रूप में होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है छल्लेदार व खंड, यानी कि उनका शरीर इस तरह से छल्लेदार और खंडों के रूप में बना हुआ है, ठीक है, यह बटा रहता है, ठीक है। तो इनका एक पहला लक्षण हो गया, यहाँ आपको जो है टॉपिक से ही पता चलता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे जो दिया गया है, प्राय नदी तालाबों पोखरों गीली मिट्टी अथवा समुद्र में पाए जाते हैं, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि इन जगहों पे ये सब पाए जाते हैं, अर्थात सभी जगहों पे इस तरह के जीवधारी वहाँ पे उपस्थित होते हैं, ठीक है। दूसरा है कि शरीर लंबा पतला द्विपाल समृद्ध तथा खंडों में बटा रहता है, ठीक है। यहाँ पे द्विपाल समृद्ध की बात आई है, ठीक है, इस लाइन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड ये है, ठीक है, द्विपाल समृद्ध। कहने का मतलब ये है कि अगर इनका शरीर जो है बीच से दो बराबर भागों में बट जाए, ठीक है, बीच से दो बराबर भागों में बट जाए तो वो होता है आपका द्विपाल समृद्ध, ठीक है। अगर नहीं बटता है तो वो द्विपाल समृद्ध नहीं है, अर्थात कहने का मतलब है इस वर्ग के जितने भी जंतु हैं अगर उनको बीच से काट दें, ठीक है, तो वो दो बराबर भागों में बढ़ जाते, ठीक है। बीच से कहने का मतलब जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे ये केचुआ है, तो आप इस तरह से नहीं बटेंगे इसको, इस तरह से बटेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये केचुए का शरीर है तो इसको इस तरह से नहीं बटना है, ठीक है, इसको इस तरह से बीच से फाड़ना है, अब ये दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, द्विपाल समृद्ध होगा, ठीक है, तरह खंडों में बटा रहता है, ठीक है, और ये खंडों में बटा रहता है। अब देखते हैं बहुत सारे खंड जो है करके हैं जो है इस तरह के जीवधारियों का निर्माण होता है, ठीक है। अगला जो है शरीर पर महीन उपचर का आवरण होता है, यानी कि इनके शरीर पर जो है एक प्रकार का उपचर, यानी कि बाय, यानी कि आपका डर्म लगी होती है, परत लगी होती है, ठीक है, जो इनके आवरण का निर्माण करते हैं, ठीक है। अगला है आहार ना ऊन विकसित होती है, ठीक है, इस तरह के जीवधारी जो है या इस वर्ग के जितने इस तालम के जितने बेग जीवधारी हैं तो उनमें जो है बताया गया है कि आहार ना ऊन विकसित होती है, ठीक है। अगला है प्रचलन मुख्यतः काइटिन के बने स्थिति द्वारा होता है, यानी कि आपको बताया इनके शरीर में बहुत सारे तरह से खंड या छिल्ले पाए जाते हैं, ठीक है, ये छल्ले जो है इनके बाहर जो एक प्रकार से काइटिन के परत लगी होती है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इस तरह से एक दिन तक चलते हैं, ठीक है, तो
बनी सिटी है, सिटी एकदम बनी हुई है, ठीक है। तो वो एक प्रकार से जिस तरह से खंड बन जाते हैं, तो वही खंड जो है एक प्रकार से वो खंड बने होते हैं काइटिन के, ठीक है। और वही काइटिन जो है एक प्रकार से सिटी यानी कि एक प्रकार का अन बन जाता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, उसके द्वारा जो है क्या करते हैं हमारे एनिलिडा सर्जी जितने जीवधारी हैं वो गति करते हैं, आगे बढ़ते हैं और प्रचलन गति संपन्न करते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पे बताया गया है कि श्वसन प्राय त्वचा द्वारा होता है, ठीक है। श्वसन बताया गया है कि इनमें पूर्ण विकसित नहीं होता है, ठीक है। तो इनमें त्वचा द्वारा संपन्न होता है, ठीक है। और कुछ जीवों में जो है क्लोमों के द्वारा होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये जैसे फिर अगला जो है कि जंतु एक लिंगी अथवा उभय लिंगी है ना, दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। यानी कहने का मतलब है एक लिंगी द्विजधारी जो है, यानी कि मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, वो एक लिंगी में आते हैं। यानी कहने का मतलब एक लिंगी हुआ कि नर या मादा दोनों में से कोई एक द्विजधारी हो, आपका एक लिंगी, ठीक है। उभय लिंगी यानी कि नर और मादा दोनों वहाँ पे एक ही बॉडी में दोनों अंग जो है उपस्थित हो, तो आपका द्विलिंगी होता है। जैसे इक्वा जो है आपका वो क्या है, आपका द्विलिंगी होता है, ठीक है। क्या होता है द्विलिंगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है इक्वा किस टाइप का जो है विधारी एक लिंगी द्विलिंगी है ना, या उभय लिंगी, ठीक है। तो ये आपका द्विलिंगी होता है जिसे आप उभय लिंगी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसमें से कुछ सात आठ यहाँ पे आपको हमने इसके लक्षण बताया, ठीक है। और इसके अंतर्गत मेरी से केचुआ है जो है आदि जो है इस टाइप के जो है जिनके इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स में पाए जाते हैं, वो सभी जंतु जो है इस एनिलिडा संघ के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मेन बात हुई है ना यहाँ पे। तो आई होप के समझ में आ गया होगा। तो आप क्या करेंगे उनके जो है आप नोट्स तैयार कर लें और उनके कैरेक्टर्स याद कर लें, बना लें, है ना।